तो वैश्विक कूटनीति का कुंभ है जिसकी औपचारिक शुरुआत आज से हो रही है और इसी पर बड़ी कवरेज विश्वोत्सव एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे। दिल्ली के आईटीओ अहमद बिलाल हमारे साथ मौजूद है, वहीं से रूट लगा होगा। यहां पर से भी डिग्निट्रीज जो है होते हुए आईटीओ वाले इलाके से पहुंचेंगे भारत मंडपम। सुरक्षा के इंतजाम दिखाइए। बिल्कुल रुमाना, देखिए इस वक्त मैं आईटीओ इलाके पर मौजूद हूँ और नई दिल्ली को जैसा आपने बताया अभेद्य किले में तो तब्दील कर दिया गया है, लेकिन नई दिल्ली तक के जिले के जो रास्ते हैं उन पे भी चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो आपको दिखाई देंगे। जब तमाम दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, इसके अलावा जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जितने भी गमले जो कि दिल्ली की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगाए गए हैं उनको भी जो है वो स्कैन किया जा रहा है। इसके अलावा बीएसएफ के डॉग स्क्वाड की एक टीम जो है वो भी इस इलाके में मौजूद है, और किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध वस्तु जो है वो ना आ पाए इसलिए जो है वो लगातार कड़ी चेकिंग जो है वो यहां पर की जा रही है। और आने जाने वाली हर गाड़ियों को जो कि नई दिल्ली जिले के अंदर जाना चाहती हैं सबसे पहले उनका आई कार्ड देखा जा रहा है, उसके बाद उनके जाने का मकसद पूछा जा रहा है और संतुष्टि मिलने के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। आज तो दिल्ली की भव्यता देखते बन रही है, सुंदरता देखते बन रही है, आपने अपनी निगाहों से क्या देखा जरा वो बताइए, और आईटीओ के आसपास क्या किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? जी हाँ, सबसे पहले तस्वीरें तो आप मेरे दूसरे तरफ की देखिए, आईटीओ के दूसरी तरफ मैं खड़ी हूँ और यहाँ पर देखिए आपको दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे। ट्रैफिक पुलिस यहाँ से कोई भी गाड़ी बिना परमिशन के पास नहीं कर सकती, प्रॉपर आई कार्ड चेक किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ से आगे दूसरी तरफ तकरीबन 500 मीटर का फर्क है। मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाऊँ तो सिर्फ ये 500 मीटर के फासले पर दो दो लेयर की सिक्योरिटी है, 3 लेयर्स की सिक्योरिटी लगाई गई है, देखिए केवल यहाँ से वहाँ तक जाने में। और भव्यता और सुंदरता की बात करें तो पूरी दिल्ली को दुल्हन तरह सजा दिया गया है, तमाम गमले खूबसूरती के लिए पौधे लगाए गए हैं, जगह जगह इस तरीके के बैनर पोस्टर मेरे पीछे मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे तो देखिए G20 ठीक मेरे पीछे आपको पोस्टर नजर आएगा। और सफाई की मैं बात करूं तो हर मिनट यहां पर सफाई कर्मचारी दिल्ली की सड़कों को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, हर एक छोटी चीज का ध्यान रखा जा रहा है। सबसे अहम मुद्दा जो है वो सिक्योरिटी है, तमाम जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है, यही वो दो चीजें हैं जिस पर साथ मौजूद है मदिया। निजामुद्दीन वाला इलाका यहां पर भी जो इलाका है वहां से डिग्निटरीज के गुजरने का रूट है और यहां पर भी इसी तरीके की स्वच्छता और सुरक्षा की तैयारियां। बिल्कुल, सुरक्षा की तैयारियां सब जगह एक सी हैं क्योंकि दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और आज क्योंकि एक बड़ा दिन है तो इसीलिए सभी रस्तों को सिक्योरिटी जो है वहां पर लगाई हुई है। निजामुद्दीन में क्या कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम है वो आपको दिखाते हैं। हालांकि हम जब अपने घर से निकले तो हमें यहीं रोक दिया गया क्योंकि आगे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। जरा आप तस्वीरों में देखिए, ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहाँ पर खड़े हुए हैं क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको रूट्स का नहीं पता है तो उनको गाइड किया जा रहा है कि आप इस रूट से नहीं आगे जा सकते, आपको दूसरा रूट लेना पड़ेगा। तो वहीं दिल्ली पुलिस जो है उसके जवान जगह जगह तैनात हैं, बैरिगेटिंग जो है वो कर रखी है, और ना सिर्फ एक लेयर बैरिगेटिंग, कई लेयर बैरिगेटिंग जो है वो की गई है ताकि सुरक्षा के लिहाज से कोई भी भूल चूक ना हो। सबसे बड़ी बात यह, जहां तक खूबसूरती की बात है और किस तरह से दिल्ली को सजाया गया है वो एक तस्वीर भी दिखा देते हैं। G20 के जो बोर्ड्स हैं बेहद खूबसूरती से जगह जगह लगाए गए हैं, जरा मेरे पीछे देखिए, वसुदेव कुटुंबकम जिसकी बार बार बात की जा रही है, जो थीम है G20 का वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो उस तरह से G20 के बहुत खूबसूरती से बोर्ड जो है हर जगह लगाए गए हैं। तो मैं चाहूंगा दिल्ली और भारत की ये चमक और धमक जिसकी गवाह पूरी दुनिया बनेगी, और इसकी शुरुआत एक तरीके से उन बैठकों के जरिए हो गई है, द्विपक्षीय वार्ता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से ही करना शुरू कर चुके हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।